सामान्य लोगों को भी भगवान मिले हैं निर्मलता के कारण, मन की पवित्रता के कारण। ये हमारे राधे श्याम शिवपुरी से आए हैं, मध्य प्रदेश में है शिवपुरी और उत्तर प्रदेश में है झांसी, है ना। झांसी और शिवपुरी के बीच में करहरा एक जगह है, करहरा, और उस गांव से गली से अंदर निकलो तो रास्ते में बिहारी जी का मंदिर है, प्रामाणिक बात बता रहा हूं, बिहारी जी का मंदिर अभी भी है। और बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में एक मकान है जो जीर्ण हो गया है। एक महात्मा ने महंत जी से पूछा कि इसकी कथा क्या है, तो उन्होंने अपनी पीढ़ियों पहले वाली बात बताई। ये बात उन दिनों की है जब बिहारी जी के महंत थे श्री रज्जवदास जी महाराज। और जो ये मकान टूटा फूटा पड़ा है, यहां एक दुकान होती थी, यहां रहती थी एक गहोई वैश्य की, गहोई वैश्य जाति की महिला, अकेली थी, परिवार में कोई नहीं बचा था, लेकिन वो पुरानी आदत पकौड़ियां बनावे तले बीचे। लोग कहते थे क्या करना, पर मकान भी रुपया भी और रोज व्यापार भी। एक दिन उसने रात्रि को सपना देखा, सपने में देखा कि मैं मर चुकी हूं, मेरी सारी संपत्ति लोग लूट लूट के ले जा रहे हैं। उसको लगा सवेरे जागने पर कि कहीं ऐसा ही ना हो, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, मेरे बाद भी कोई नहीं, तो लोग लूटें ये तो ठीक नहीं। तो उसने गहोई वैश्य के लोगों से सलाह करके अपनी पूरी की पूरी संपत्ति श्री बिहारी जी के नाम कर दी और दुकानदारी छोड़ दी, भगवान के मंदिर में रहने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जो हाथ बेसन में सने रहते थे वो ताली बजाते, जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती वे आंखें भगवान श्री कृष्ण को देखती, बिहारी जी को देखती, जिंदगी बदल गई। महंत जी मितव्ययी थे, वो ऐसे ही बहुत हाथ बंद करके रखे। एक दिन देखा तो दूध पी रही थी वो, शाम को महंत जी ने दूध दिया गिलास में, तो वो दूध पी रही थी, कुटकुटाए। महंत जी बोले तू तो कुटकुटाती क्या है ये दूध में? बोले महाराज आप इसमें मेवा ज्यादा डाल देते हो। महंत ने सोचा हम और मेवा डाल, हम चीनी डाल देते यही बहुत है, मेवा। माथा ठनका। दूसरे दिन देखा वो दोपहर को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दे। महात्मा बोले ये कहां से आया? महाराज आप ही तो लाते हो दाल में घी। उनको लगा थाली में घी होना पहले से होना, हम तो डालते ही नहीं। अब महाराज घी बढ़ता जाए दाल में रोज, मेवा बढ़ते चले जाए। एक दिन पुजारी महंत जी जब आरती करे थे, उन्हें देखा कि भगवान बिहारी जी के जो बागा उन्होंने पहना उसकी बांह पर आगे घी लगा है। सोचा आरती वगैरह से लग गया होगा, धोकर दूसरा वस्त्र बदल दिया। लेकिन दूसरे दिन देखा भगवान के दोनों कर कमल घी में सने। अरे इनके हाथ में घी कैसे लगा? अब समझ गए। उस देवी को सब भक्तिन बोलते थे, मंदिर में रह रही थी। महात्मा ने कहा ये भक्तिन को यही देते हैं घी भर भर के।
तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की महंत जी ने कि द्वापर के छलिया अबलों तेरी यह छैल पने की छछोरी न छुटी। काऊ को काम बने बिगड़े ब्रजराज तेरी बरजोरी न छुटी। और ग्वाल सिंहासन पे पुजके भयो ठाकुर हूं पे ठगोरी न छुटी। आज यही बिनमो कर जोर ब्रजराज तेरी यह चोरी न छुटी। तुम्हारी ये चोरी की आदत गई नहीं? अरे मैं इसलिए थोड़ा ही करता हूं कि किसी को न दूं, लेकिन चीज रहेगी तो मौके पर काम आएगी, महात्मा आएंगे, जमात आएगी, खिलाएंगे पिलाएंगे, अब रोज खर्च कर लो, तो इसलिए मैं करता हूं। इसलिए आप ऐसा ना करो। आप भक्तिन का पक्ष मत लो। पर बिहारी जी तो बिहारी जी कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी उसी तरह मेवा। महंत जी जो जमा कर करके रखे तो डिब्बे खाली होने लगे। आज भगवान ने भी प्रार्थना नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया, भक्तिन पर तो आया ही क्रोध। उन्होंने सोचा इसे निकालना चाहिए, इसे निकालो मंदिर से। लेकिन महंत जी ने सोचा कि इसको निकालें कैसे, कोई लांछन हो, आरोप हो, तब तो निकालें। तो महंत जी ने एक दिन निश्चय किया, बस बैठ गए दरवाजे पे माला लेके, और उस रास्ते से जितनी महिलाएं पुरुष निकले, तुम्हें पता है क्या भक्तिन? हाँ क्या हुआ? अरे भक्तिन नहीं नहीं महाराज बताओ, भक्त ने एक आदमी रख लिया है, आदमी रख लिया। ऐसी बातें तो बड़ी जल्दी फैलती, आदमी रख लिया इसने पूरे में हल्ला। पहले रहती थी, अब मंदिर में रह रही है, माल खाती है, कहां कुछ काम तो है नहीं, बुद्धि बिगड़ गई होगी, रख लिया होगा आदमी, रख लिया। पूरे गांव में चर्चा हो गई। अब भक्तिन जहां से निकले से औरतें देख के मुस्कुराएं और थूकें, क्या हाँ हमसे क्या पूछते हो? पूछो, तुमने आदमी रख लिया है कोई और उससे तुम्हारे नाजायज संबंध है? अब तो कांप गई, हे भगवान कौन कह रहा था? महंत जी। अब महंत जी के नाम से जो चर्चा हुई, बड़े परेशान। तो उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई, उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई, सीधे अपने गहोई समाज के वैश्यों के घर गई। कहा मैंने जो बिहारी जी को सौंप दिया है धन संपत्ति, मैं वापस नहीं चाहती, लेकिन महंत जी मुझे कलंक लगा रहे हैं, आप लोग पंचायत करके मुझे निष्कलंक बनाओ, मैं अपना भीख मांगकर गुजर कर लूंगी, मंदिर में नहीं रहूंगी। वैश्यों ने सोचा कि नहीं, हमारी समाज की बात है ये, घर में ही हम ऐसी क्या बात थी, चलो। सब समाज इकट्ठा होकर गया। अब महंत जी ने देखा कि बड़ी भीड़ चली आ रही है, कि आज कोई उत्सव भी नहीं, कुछ नहीं, इतनी भीड़ काहे को आ रही है। और पीछे देखा सो भक्तिन, समझ गई यही लेकर आई सबको, उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। लोग सलाह कर रहे थे, अगर भक्तिन की गलती तो उसे मंदिर से निकाल देंगे, और नहीं गलती तो महंत जी से कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर जैसे ही आए, लोगों ने कुछ कहते, उसके पहले ही महंत जी ने कहा, भोजन में नित्य घृत उठा स्वकरसों लेत। भगवान
भोजन के समय अपने हाथ से घी उठा लेते हैं। भोजन में नित्य घृत उठा स्वकरसो लेत और भर भर देत या भगतन की थारी जू। लोग समझे नहीं। मंदिर में मेवा के पात्र सब रीते पड़े, कैसे रहेगी बात बीते पे हमारी जू। भोजन में घी उठा उठा के इसकी थाली में परस देते हैं, मेवा मिष्ठान मेवा के सब पात्र रीते पड़े हैं, तो ये कहो कि चोरी करती है, पर आपने दूसरा कलंक लगाया। महंत जी बोले ये चोर नहीं है, फिर जो दूसरा कलंक लगाया सो चोरी नहीं करती है, सच्ची ईमानदार। और याके भक्ति भाव पे हम हूं बलिहारी जू। फिर आपने जो कलंक लगाया कि उसने कोई आदमी रख लिया, कोई पति रख लिया, अवैध संबंध है, सो महंत जी बोले कैसे प्रतीत, कैसे प्रतीत अब विनीत जू करावे हम, पति हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी जू। इसने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया, वही इसके पीछे पीछे लगे फिरते, तो हम क्या गलत कह रहे हैं? बिहारी जी हमारी सुनते नहीं, उन्हीं से पूछो, उन्होंने तो जिंदगी भर गोपियां तारी हैं, सो इस गोपी को का सहयोग करने लगे। लोग आए थे भक्तिन देव निकाल, पर ठगे गए यही ठोर पे भयो और ही हाल। सबके आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा कि बाबा अब भक्तिन की चिंता आप न करें, हमारे इतने परिवार हैं, ये जिस परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन करा के अपने को धन्य मानेंगे, जिसका भगवान से नाता हो। ये झूठा कलंक ही सही, नारव सजनी अनमनी भरव न नीर ससंक, बड़े भाग नंदलाल संग झूठो ही लगत कलंक। ठीक है महाराज प्रणाम। भक्तिन बोली अब मैं नहीं जाऊंगी, यही हूं। दोपहर को भोजन के लिए महंत जी आए लेकर, मना कर दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं भोजन। हां काहे को करेगी हमारा भोजन, कल से तो तेरा सेठों के यहां, बड़ों बड़े सेठों के यहां निमंत्रण है। शाम को दूध लेकर आए, नहीं पिया। महंत जी अपने कमरे में रात्रि के समय नींद नहीं आई, भक्तिन रोती रही, और 3 बजे के बाद रहा नहीं गया, जब सब सो रहे थे भगवान के मंदिर के सामने ड्योढ़ी पर सिर रखकर आंसू बहाकर उसने कहा, नाथ को नाम कियो बदनाम, मुझे बदनामी देते, संसार के किसी आदमी का नाम लगाते, नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन सोन विवाद बढ़ाम, और आपके हाथ से पाए प्रसाद, कहा अब और के हाथ से पाऊं। आपके हाथ से प्रसाद मिला, अब क्या किसी के हाथ से पाना। ऐसा कहकर भक्तिन ने जैसे ही अपना सिर रखा, अचानक बड़ा तीव्र प्रकाश हुआ, गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के पट खुल गए, सभी लोग जागे, क्या हुआ क्या हुआ।
महंत जी भी रोते रोते सब लोग सबने देखा, भक्तन के प्राण बिहारी जी के चरणों में लीन हो गए थे। सब चारों तरफ हल्ला मचा, करेरा नगर के लोग आए, सब उसको लेकर गए। वहां एक नदी है करेरा, महुअर या कोई महुअर नदी, उस नदी के किनारे उसका दाह संस्कार हुआ, वहीं उसकी समाधि बनी। महंत श्री रज्जवदास जी जब तक उस मंदिर में रहे, नियम था भगवान की आरती करने के बाद छत पर चले जाते और छत पर उस समाधि दिखाई देती थी, छत पर से उस समाधि की आरती उतारते थे। आज भी वो करहरा गांव है, आज भी बिहारी जी का मंदिर है, बगल में वो खंडहर है, लेकिन भगवान की लीला ऐसे ही भक्तों के साथ होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वह और कुछ नहीं बनी, साधु नहीं बनी, स्वामी जी नहीं बनी, महात्मा नहीं बनी, वह तो राम जी की बनी, बिहारी जी की बनी। देह के माला तिलक